हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशानी निंजा ब्लॉग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं थोड़ी ठीक नहीं हूँ, थोड़ा फीवर और गले में मेरे दर्द है। कोई नहीं, बट कोविड होके ठीक हो जाएगा वो भी। माहौल मौसम ऐसा चल रहा है कि थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है हर किसी को। तो आज मेरी कोचिंग की भी छुट्टी थी, सैटरडे संडे मेरी कोचिंग की भी छुट्टी रहती है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, इंडिया में नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं तो दशहरा, दुर्गा पूजा, तो मेला लगता है यार। तो हम लोग जाएंगे आज मेले में। मेरे को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर वालों ने मना करा था, बट एक दो दिन की तो छुट्टी होती है, उसमें भी इंजॉय ना करो तो आप क्या करो, वरना पूरा वीक कहीं नहीं निकल पाती। अब तो पहले बहुत घूमती थी मैं, तो अभी तो मेरी कंडीशन ऐसी है घर की, रात के कपड़े पहन रखे फ्रेश व्रेश होके। आज शाम तो हो गई है, अब कितना टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे। तो फिर हम तैयार व्यार होकर चलते हैं मेले में, मम्मी, मैं और मेरा भाई। हम तीन जाएंगे मेले में और दिखाएंगे आपको कितना एंजॉय करेंगे। बने रहिएगा एंड तक, इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। जब तक मैं नहा धो के फ्रेश होके रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ बाद में तैयार होके। बाय बाय। तो हाँ जी दोस्तों, मैं तो हो चुकी हूँ रेडी शेडी। तो ही लोग रहो न, तुम लोग तैयार हो, चल रहे हो हमारे साथ मेला देखने। यार एक तो ये लोग आवाज़ें इतनी पीछे करते हैं, या तो मैं बोल लूँ या ये बोल लें। चुप हो जाया करो थोड़ी देर यार, ब्लॉग नहीं बनाने देते ये लोग, बिल्कुल इतनी आवाज़ें करती हैं। तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ, पहले ज़्यादा अच्छी लग रही थी या आप ज़्यादा अच्छी लग रही है इस आउटफिट में, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो और आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत जल्दी जा रहे हैं, बाहर तो रोशनी होगी, बाहर रोशनी होगी पता है हमें, पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा हो जाएगा। मेला ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है, तो रात को पापा 9:30 तक घर आ जाते हैं ना, तो उनके आने से पहले हमें घर भी आना है, क्योंकि घर में लॉक लगा के जा रहे हैं। और फिर नवरात्रि चल रहे, तो रात को पूरी रात लॉक भी नहीं लगा सकते ज़्यादा देर के लिए हम लोग। पापा के आने से पहले हमें आना भी है, खाना भी बनाना, और फिर उनको अकेला नहीं छोड़ते हम लोग, क्योंकि हम पहले जा रहे हैं कि मेला वेला देख के पूरा घूम फिर के। और अभी हम जा रहे हैं फिर, क्योंकि कल फास्ट है हमारा, तो कल हमारा कोई शाम नहीं है कि हम लोग चले जाए घर में बैठ के थोड़े बेच रहे होंगे, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। और बर्फ़ अस्थनी है, तो हमारे यहाँ तो अस्थनी पूजी जाती है, तो बर्फ़ भी कोई चांस नहीं है हमारे जाने का। थक जाते हैं यहाँ, फिर कोचिंग भी है, मंडे है मेरा, मंडे है, फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे छुट्टी है, फिर दोबारा कहीं ना कहीं मेला देखने जरूर चलेंगे। अभी तो हम जा रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे, आप भी आप लोग एक्साइटेड हो देखने के लिए कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बाय बाय। तो हम लोग ये यहाँ पे ट्रिपलिंग करते हुए, और कुछ मिला नहीं तो हमने ट्रिपलिंग कर ली। तो बाय। एक तो हमारी ट्रिपलिंग, हम तीन लोग बैठे ऊपर है, ये रेड लाइट तो इतना दिमाग ख़राब करा है यार, इतनी रेड लाइटें पड़ती है बीच में, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। और हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं, ठीक है यार, कितना प्यारा लुक लग रहा है यहाँ पे, बहुत सारी रामलीला है। मैंने तो सोचा था खाली एक ही होगी, बट नहीं, यहाँ पे बहुत सारी थी। ये हमें दिखा यहाँ पे कैमल, यहाँ पे सवारी थी कैमल की 100 रुपीज़ 10 मिनट की, तो मैंने तो करके क्या फायदा था। और मम्मी पीछे से बोलती हुई राधे राधे गौ माता को देखकर, मेरे को बोल रही है कि गौ माता के भी कल वो भी तो रह गए, उनको भी तो दिखाना चाहिए ना कि वो भी हैं यहाँ पे। हमें तो यहाँ पे आके धोखा मिल गया, जल्दी आके 7 बजे इन लोगों ने बोला है एंट्री, अभी भी हमारे अंदर जाने में 5 मिनट बाकी है। बहुत बड़ा धोखा हो गया, जब तक हम बाहर घूम रहे हैं, और आप लोगों को भी दिखा दिया अंदर से देखते हैं। तो हमें अंदर एंट्री मिल चुकी थी, और ये हमें मिला यहाँ पे अंदर एंट्री करके, अभी चली नहीं है यार, इसका नाम नहीं, बेइज्जती हो गई हमारी। और ये बच्चों का फेयर था, खाली पड़ा था, कुछ नहीं था यार यहाँ पे, बिल्कुल एंट्री अभी झूले चालू तक नहीं हुए थे, हमने बस तो चले गए कि देख ही ले, हमने कहा 2-3 और है तो वो भी देख लेंगे। तो आइसक्रीम वाले भैया खड़े थे, और यहाँ पे हमने भैया झूलों से पूछा था, भैया मतलब झूलों से पूछा था, भैयाओं से पूछा था कितने बजे स्टार्ट होगा, उन्होंने कहा थोड़ी देर में पब्लिक भीड़ होगी, तो स्टार्ट होगा। और बहुत बड़ा था कि यहाँ की रामलीला ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू लाल किला वाली। ये मम्मी आते हुए, हम जैसे जैसे आ गए तो हमें दिखे यहाँ पे रावण बनते हुए, कुंभकर्ण और मेघनाथ। तो यहाँ पे उनकी प्रिपरेशन चल रही थी दशहरे के लिए, और हार्ड वर्किंग है यार ये लोग भी, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को बनाने में, पर बहुत अच्छा बना रहे थे। दशहरे की तैयारी तो स्टार्ट हो गई, 2 दिन रह गए क्योंकि दशहरा आने में। देखिए आप,
क्या होगा, जल्दी आ गए ना हम लोग, जल्दी आने का नुकसान है ये, स्टॉल भी है। ये नॉर्मली वैसे ग्राउंड है, यहाँ पे शादी पार्टियाँ होती हैं, यहाँ का नाम है EBD ग्राउंड। बहुत सारी रामलीला हो रही है यहाँ पे। बहुत बड़ी रामलीला यार, और यहाँ रामलीला होगी अभी स्टार्ट तो नहीं हुई, यही होगी, चेयर वगैरह बिछी हुई है। कितने बजे स्टार्ट होती है रामलीला? ओके, तो यहाँ पे रामलीला इतनी सारी है, वहाँ से निकल के हम दूसरी रामलीला में आ गए, और यहाँ पे और अच्छी है ये रामलीला, हम आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है, पुलिस वाले बहुत ही है। बैग चेक देख लो भैया, तो यहाँ से हमारी शुरू हो गए थे, फिर अंदर एंट्री होती है फॉल, बट वाली रामलीला से बहुत ज़्यादा बेटर थी, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। भव्य रामलीला थी, आई थिंक नहीं बजरंग दल थी, कुछ है थी पुरानी दिल्ली के सीधा नाम बाजार वाले, रेट ऑफ अप्रोक्स ज़्यादा हाई थे यार, अप्रोक्स क्या बोलूँ, मैंने इन लोगों से पूछा नहीं, बट यहाँ पे लिखे हुए थे जो रेट वो बहुत हाई थे कंपेयर टू बाहर अर्था हुए थे, बट जो इनका मैनेजमेंट था तो आप लोग देख ही सकते हैं, लग ही नहीं रहा यार रामलीला में आए हैं, वरना मैंने रामलीला में कभी ये चीज़ें नहीं देखी कि इतने स्टाइल में होती है। मैं बचपन से जितनी रामलीलाओं में गई हूँ मेरे को सच में यहाँ नहीं दिखा, क्योंकि यहाँ पर शादियाँ वगैरह होती है, और कमाल की बात है मेरे को नवंबर में हमारे यहाँ पर 3-3 शादियाँ हैं, यहाँ पर जिस ग्राउंड में आज हम मेला देख रहे हैं यहाँ पर 3 शादियाँ ऑलरेडी हमारे घर में होंगी नवंबर में, और ग्राउंड बहुत बड़े बड़े आप लोग देखिए। और ये हमें हाथ में मिलेंगे आइसक्रीम रोज, वाह यार खाती नहीं, मेरे को कोल्ड हो रहा था इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया, सब ठीक नहीं थी मेरी वहाँ पर, बट मैंने शूट पूरा करा, और यहाँ पे VIP था तो कुछ चल नहीं रहा था, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या ही दिखाऊँ, कोई रामलीला भी स्टार्ट नहीं हुई, आगे एक और में जाएंगे तब रामलीला स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वो खड़े हैं गार्ड लोग खड़े हैं कि बिना भी एंट्री के पास के एंट्री नहीं होगी, एक दो झूले चल रहे हैं सारे, यहाँ पे हमें सामने दिखी कपड़ों की शॉप, वो हम आपको दिखाएंगे आगे चल के। तो यहाँ पे भी वही झूले थे, मेरे को नाम नहीं पता जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, और उसके हाथ में था बच्चों वाले झूले, अप्रोक्सीमेटली जितने भी मैंने रेट पूछे थे 100 रुपीज़ के थे बड़े, और जो छोटे थे वो 80-80 रुपीज़ के थे। तो इसको मैं बोलती हूँ गोल वाला झूला, तो मेरे को नाम नहीं पता क्या बोलते हैं, आप लोग भी बता दो कमेंट करके कि इसको क्या कौन सा नाम दिया जाता है झूले पे, बट मैं ये वाली राइड कभी ट्राई नहीं करती। लास्ट टू लास्ट ईयर शायद न्यूज़ में हमने कहा था, क्योंकि ये टूट गया था, इसका नीचे से हट गया था, तो एक बंदे की मौत हो गई थी, वो बहुत डर लगता है, मैंने ट्राई नहीं किया उसके बाद ही कभी। ये फिर बच्चों का झूला था ट्रेन, हम बचपन में बहुत बैठे हैं इसमें, जैसे कि हमने आपको बताया इसका भी रेट था 80 रुपीज़, बट बहुत बढ़िया था, रेट इतना ही है यार, इससे कम तो कुछ मिलता ही नहीं है।
एक मिनट यार, ये वाला झूला कुछ मेरे को राइड अच्छी लगी। ये मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखी, मतलब मैं देखी है बट मेले वगैरह में नहीं देखी ये चीज़ें। फर्स्ट टाइम में शायद देख रही हूँ। आप लोग बताओ, आपने देखी है पहले कभी? बट यार अच्छा था, मतलब बोटिंग सिस्टम था। 80 रुपीज़ चार्जेस था इसका भी, भैया है मैंने पूछा था 80 रुपीज़ बता रहे थे, बट कुछ यूनिक था। और वो सामने तो फिर ट्रेन है वही, बट मेरे को कुछ यूनिक लगा। आप लोग बताओ यार, ये बचपन के दिन कितने प्यारे होते हैं ना। हमने बचपन में बहुत इंजॉय करते थे झूलों में, पेरेंट्स तो अभी भी लेके जाते हैं, बट अब पूछता है क्या खर्चा क्यों करवाओ यार घर वालों का फालतू। मैंने फिर देखने के लिए रुकी ये वाली बोर्ड जब बच्चे इसमें झूल रहे थे, बट मैं झूल नहीं सकती थी, बेइज्जती हो जाती। और ये सामने एरोप्लेन छोटा वाला कुछ भी बोल देती हूँ, ये मिक्की माउस था, इसके 50 रुपीज़ चार्जेस थे पर बंदा। वो तो हुई पर बंदा यार। तो व्यू बहुत प्यारा था, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लगा। और फिर हम लोगों ने थोड़ी चली पागल करती, या तो मैं कह रही थी मम्मी से बनवा रही थी, बट ठीक ठाक हो ही गया। वीडियो बनवा रही थी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए, देखिए कल तो नथिंग किया हमने। और वापस आई मुक्की पर घूम फिर के लिए। हाँ मेरे से ज़्यादा तो वो लड़की दिख रही होगी आपको तो वीडियो में। और ये भूत बंगला के चार्जेस थे 80 रुपीज़ अंदर जाने के लिए। पर यार मम्मी तो जाती नहीं अकेले, डर लगता। मैंने ट्रेन 100 रुपये। फिर यहाँ पे आई ये की चेन वगैरह और वो बना के, तो हमने भी यहाँ से लिया वो स्वीट होम, ये लिखा हुआ ना, ये हमने वहाँ पे लिया। और यहाँ फिर आगे रहा, यहाँ पे टीवी में चल रही है यार, आगे चल गई है जो रियलिटी में दिखा रहे हैं। मैं आपको बोल दिखाऊंगी, ये तो सारी टी वी वगैरह चल रही है, कोई इतना इंटरेस्ट आ गया। आगे मैंने सुना है रामलीला है, लोग रामलीला वहाँ पे रियलिटी में। यहाँ पे ये भैया चने बेचते हुए, 50 रुपीज़ चार्जेस थे इन भैया के, बर्फ़ का गोला। पर यार खा नहीं सकते थे, फिर वही बात आती है, कोल्ड था मुझे। बचपन की यादें ताज़ा हो गई। बुड्ढी के बाल किस किसने खाए हैं वहाँ? मैंने तो बहुत खाया बचपन में बुड्ढी के बाल। फिर पॉपकॉर्न थे, और आगे हमें मिले पिज़्ज़ा पॉइंट, और ये फिर आइसक्रीम। यार हमेशा ठंडी ठंडी चीज़ें देखने को मिली जो मेरे को खाने नहीं पड़ी, मेरे घर वालों ने मुझे नहीं खिलाई बिकॉज अब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने बनती हुई पूरी देख ली, भैया कैसे बना रहे थे, मैं उन्हीं को देख ही जा रही थी। वो रामलीला है, भव्य रामलीला की बात जो कर रही थी, यहाँ पे रामलीला बहुत अच्छी हो रही थी। ये झूले वूले तो फेम थे, आपको वो भी क्या दिखाती है, आप लोग बोर हो जाते इतनी लंबी वीडियो में। तो ये यहाँ पे हो रही है, पता नहीं कौन बना हुआ है, आगे जाके पूछा नहीं मैंने, बट रोल बहुत अच्छा कर रहे थे ये लोग। चलने का स्टाइल देखो, पकड़ लिया रे, पकड़ लिया, तौबा तौबा। शक्ल दिखाते हुए मम्मी के साथ करते हुए, और मैं वीडियो बनाते बनाते इतनी हो गई कि मैं गिर गई से बची नीचे, और गिरता मैं धाड़ बच गई, मम्मी ने मुझे पीछे से टोक दिया था, नीचे देख के चला गया। तो एंड में हम जाते हैं डॉक्टर के पास दवाई लेके, भाई की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी भी, तो यहाँ पे हमने ली दवाई रुक वेट। तो हाँ जी दोस्तों, आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा? लिटरली हम लोगों को खूब मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा किया हम लोगों ने, मम्मी मैंने भाई ने खूब मज़ा किया। वो शूट नहीं कर पाई जो हम लोगों ने मज़ा, क्योंकि या तो शूट करती या मज़े करती, वो बात अलग थी, और मम्मी शूट नहीं कर पाती तो इसलिए मम्मी को मैंने बोला नहीं। बट लिटरली हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वहाँ पे इतनी ज़्यादा आर्मी थी, और जो वहाँ का मैनेजमेंट था और जो चीज़ें थी बहुत ऑसम थी। और हम बहुत जल्दी गए, आई नो बहुत जल्दी पहुँच गए थे हम लोग, बट हमने बाद में बहुत इन्जॉय किया। जो उसके बाद में एक नहीं, हम तीन तीन जगह वहाँ पे बहुत सारे थे ना, तो हम तीन तीन जगह मेले में गए,
और हर चीज़ देखी, हर अलग हर एक की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग चीज़ें थी। मैनेजमेंट बहुत अच्छा था और लाल किले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे स्टॉल वगैरह नहीं लगते और वहाँ पे किच ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी। उम्मीद है आप लोगों को भी ब्लॉग पसंद आया होगा।